हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं कटहल का कीमा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। कटहल की नई रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट भी करें आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने कटहल लिया है, इसे हम बारीक काट लेंगे। ये हम इस तरह से इसे बारीक बारीक काट लेंगे, इनके बीज निकाल देंगे। बीज को भी हम काट के छील लेंगे, इन्हें काट लेंगे तो छीलने में आसानी रहेगी, इनके छिलके आसानी से उतर जाएंगे इस तरह से। देखिए सारा कटहल हम इसी तरह से बारीक काट लेंगे। कटहल हमारा सारा कट गया है। अब हम कुकर में तेल लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम सारा कटहल इसी में डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी तरह से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे कम तेल में। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, हल्का सुनहरा होने तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए कटहल गुलाबी हो गया है, ये भुन गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब हम इसके लिए मसाला ले लेते हैं। हमने दो आड़ी प्याज ली है, प्याज को हम पीस लेंगे। ये हमने प्याज को पीस लिया है। अब हम लेंगे एक चम्मच पिसा हुआ लहसुन, आधा चम्मच पिसी हुई अदरक, एक चम्मच से ज़्यादा नमक, स्वाद अनुसार आप अपने नमक लें, एक चम्मच हल्दी, तीन चम्मच धनिया और एक चम्मच लाल मिर्च। अब हम उसी कुकर में तेल गरम करेंगे जिसमें हमने कटहल तला था। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। जब मेथी चिटक जाएगी, लहसुन अदरक और प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्चा, नमक और धनिया। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिसमें ये अच्छी तरह से भून जाए। लो फ्लेम पर भूनेंगे, इससे मसाला बहुत अच्छा भुनेगा। इसके मसाला भुन गया, इसका तेल अलग हो गया है जो हमने कटहल फ्राई किया था, ये हम इसी में डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम भून लेंगे जैसे कीमा भुना जाता है। ये कटहल का कीमा है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। अब जितना पतला रखना चाहें डाल सकती हैं, पर ज़्यादा पतला ये नहीं रखा जाएगा, भुना भुना बनेगा। अब इसे हम कुकर को बंद करके प्रेशर लगा देंगे, एक सीटी आने तक पकाएंगे। प्रेशर निकल गया है, अब हम इसे खोल के देख रहे हैं। ये देखिए कटहल का कीमा तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें। आपको हमारी कटहल की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।